हेलो गाइस, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद फाइनली ब्लू बीटल थिएटर्स में आ गई है। गाइस, ये मूवी बिल्कुल एमसीयू के फेस वन की तरह है, बिल्कुल स्पाइडरमैन और आयरन मैन वन वाली वाइब देती है। मूवी का VFX, CGI एंड कलर करेक्शन कम बजट में भी काफी अच्छे है। सारे सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की तरह इस मूवी में भी ब्लू बीटल की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। बात करें कहानी की तो इसमें चैमी और इसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है, जैसे अपने स्पाइडरमैन की थी। इसमें आगे विक्टोरिया कोर्ट की बेटी अपने हीरो को एक ब्लू बीटल लाकर देती है और उसके बाद क्या होता है वो तो आपने ट्रेलर में देखा ही है। इस मूवी को काफी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है और ये मूवी फैमिली की वैल्यू करना भी सिखाती है। इस मूवी को बच्चों के साथ बड़ों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके मेकर्स ने अपना कुछ ज्यादा ही पैशन लगा दिया है इसे बनाने में। फिल्म के लीड एक्टर्स और सारी कास्ट ने कमाल का काम किया है, कमाल की एक्टिंग करी है, मतलब फैमिली के हर मेंबर्स ने अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। बट मूवी में सारी लाइमलाइट तो ये ग्रैनी ले गई है। सो DC फैंस, अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो देख कर आओ यार, हाईली रेकमेंड करूंगा मैं इस मूवी को। काफी अच्छी मूवी है ये DC की, क्योंकि ब्लू बीटल की मिस्ट्री अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ ये मूवी अच्छा एंटरटेन भी कराती है। देखो, मैं खुद MCU का फैन हूँ और मुझे DC की मूवीज पसंद नहीं आती, पर इस मूवी ने जो कम बजट में अचीव किया है वो कमाल है। बात करें नेगेटिव्स की तो नेगेटिव ज्यादा है नहीं, एक ही नेगेटिव कहूंगा मैं इसमें। इस स्टोरी में जो जेनी का लव एंगल डाला गया है, पता नहीं वो क्यों है, ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता। लव एंगल तो डाल दिया पर इसकी डेप्थ में तो गए नहीं, बस दिखा दिया और बिल्कुल समझ नहीं आया। फाइनली मैं यही कहूंगा कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही निकली है मूवी। दिस इज अ ग्रेट sci-fi फिल्म विद अ ग्रेट टोन एंड सम प्रीटी फन कॉमेडिक सीन एंड कैरेक्टर्स। ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को 10 में से 7.5 की रेटिंग है। सो गाइस, यही था मेरा छोटा सा रिव्यू इस मूवी को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।